दूसरे वक्ताओं को पुकारे इससे पहले ट्रेजरी बेंचेस को देखिए आप। आज सड़क और पुलों पर मांग हो रही है, मंत्री महोदय बैठे हैं, टहल रहे हैं जिस तरह पार्क में टहलते हैं उस तरह। माननीय सदस्य ने अपने इलाके की इतनी मांगे उठाई, एक पेन से आप लिखते नहीं तो ये तो आभास दिलाते हैं कि हम कुछ लिख रहे हैं। इतनी लापरवाह सदन के प्रति, इतनी लापरवाह सरकार मैंने बिल्कुल नहीं देखी। मतलब आप देखिए किस अदा में खड़े हैं, ये जवाब देंगे हम चाहते हैं क्या मंत्रियों को, जब आप पेन उठा के हमारी बात को लिखना ही नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हैं क्या करें हम इनका? किसने क्या कहा आप क्या पूछना चाहते हो? भी नहीं हो जो आपको देखे हम। किसने क्या कहा कि आप पूछना क्या चाहते हो? एक आदमी कभी वहाँ बैठोगे कभी वहाँ बैठोगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता, सदन की इससे ज्यादा अपमान सदन का हो नहीं सकता। बिराजे आपने सर सभापति महोदय इन्होंने तो कालीचरण जी शराब नाराज उनको भी बुलवाया, वो ढूंढ रहे हैं आप मंत्री जी, आप भी नाराज हो गए, कालीचरण जी बहुत नाराज हो गए। अन्य महोदय साथ अन्याय हुआ, इनका ज्यादा वक्त जो है इधर की सीटों पर लगता है, मंदिर लगता ही नहीं है आपका, कभी वहां बैठोगे कभी श्री मेवाराम जी वहां बैठोगे। आप बिराज मेरा तन भी नहीं डोलता। श्री मेवाराम जी सभापति महोदय मांग संख्या वसुंधरा जी को ढूंढ रहे चारों तरफ, सतीश बिराजे चर्चा हो रही है, सतीश बिराजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग जिसमें राज्य का विकास की बात है कि इस सड़क के माध्यम से राज्य का विकास होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर जिस तरह का ये जो बजट दिया है और दो ढाई साल के अंदर जिस तरह से सड़कों की हालात थी उन सड़कों को देखते हुए और जिस तरह की घोषणाएं हुई, जिस तरह की ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन घोषणा सड़कों के बारे में जो बताया, मैं विपक्ष के जो हमारे साथी है अब इनके पास बोलने को तो कुछ रहा नहीं, अब ये सिर्फ आप देख रहे थे कल ही वातावरण किस लिए कर रहे थे कि अब सुने क्या स्थिति है, इस ढंग से इनके सामने सभापति महोदय जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवीन सड़क नीति 2021 बनाई है और जिस तरह से मैं इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सबके लिए 5 करोड़ की सड़क सैंक्शन करना, कोई उसमें बीजेपी कांग्रेस भी नहीं, सबके लिए 5 करोड़ किया, ये आपके जैसे छोटा दिल नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल रख के राजस्थान के लिए किया। इसी तरह माननीय सभापति महोदय जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधानसभा में पैचेबल सड़कों के लिए राज्य में सभी जिलों में 7,257 किलोमीटर लंबाई की अन्य सड़कें ODR और राजमार्ग जिनको MDR में कन्वर्ट कर करने का कार्य इस बजट के अंदर लिया। माननीय सभापति महोदय प्रत्येक जिले में 3 बड़ी सड़कें इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट घोषणा में ली जिसके लिए 1,900 करोड़ रुपए 33 जिलों में सैंक्शन करने की घोषणा की। माननीय सभापति महोदय पहली बार शहरों की स्थिति खराब होने की वजह से वहाँ की सड़कें कैसे ठीक हो उसके लिए इस बजट के अंदर शानदार पूरे उसमें भी ये नहीं कि ये नगर परिषद कोई बीजेपी की है या कांग्रेस की है, सभी नगर परिषद और नगर पालिका और नगर निगमों के अंदर 10, 20 और 30 किलोमीटर PWD द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। माननीय सभापति महोदय अन्य भी आप ग्राम पंचायत मुख्यालय को जोड़ना और गांवों को जो जहां 500 की आबादी वाले जो राज्य से गांव हैं उनको जोड़ने की बात है, जो सड़कें भारतीय जनता पार्टी के टाइम ये जाते जाते ऑर्डर करके गए टेंडर करा के गए और वो काम तो शुरू करा दिया, बजट का प्रावधान नहीं रखा, 6,000 करोड़ से ज़्यादा वो देनदारी
कांग्रेस सरकार हमारे पे पड़ी जो आज तक ठेकेदार को और हम भुगत रहे हैं इनके लिए। माननीय सभापति महोदय, ये जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से झूठ नहीं सही बात है, और जिस तरह से ये जो इन सड़कों के लिए आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, अब इनके पास बोलने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। मैं सभापति महोदय, कई यहाँ बातें हैं चली, सैंक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई भेदभाव भी नहीं रखा और सभी के लिए सम्मान सड़कों की घोषणा की कि राजस्थान का कैसे विकास हो। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा, कुछ ऐसी भी बात आई कि आज सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने VC लेकर यह कहा सड़क की गुणवत्ता कैसे अच्छी हो, उसके लिए जो भी है गारंटी पीरियड के अंदर भी सड़कें हैं उसको ठीक किया जाए, और जो BSR है और BSR से जो नीचे जा रहे हैं और घटिया काम हो रहा है उनको कैसे रोका जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। मैं थोड़ी पहले बात भी चली कि एक इतने बिलों में 4 या 5 बिलों में सड़क का ऑर्डर दिया। मैं सभापति महोदय निवेदन करना चाहूँगा कि उसी टेंडरों में वहीं चौटन डिवीजन में एक 9 बिलों में भी दिया। वो जो बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे हैं मुझे समझ में आ नहीं रही है। हमारे सीनियर नेता है, हमारे तो सम्मानी नेता है, इनकी भावना कुछ क्यों नाराज हो रहे हैं मैं समझ में नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री जो सबके लिए सम्मान है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ घोषणा हो, जो भी इनकी इच्छा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाए। माननीय सदस्य समाप्त करें, 5 मिनट का मतलब 5 मिनट दोनों तरफ बराबर है, 5 मिनट। माननीय सभापति महोदय, या तो सबसे पहले अपने विधानसभा की बात करें। माननीय सभापति महोदय, आपने लिख के दिया, मेरा काम तो खाली यहाँ पे बोलने का है। बाड़मेर की बात करूँ मैं, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा मेरी विधानसभा के अंदर बाड़मेर जिला रेगिस्तानी जिला है, यहाँ दूर दूर में ढाणियां बसी है, पूरा इतना लंबा क्षेत्र है, इसमें आप कम से कम समाप्त करें, माननीय सदस्य समाप्त करें, 100 किलोमीटर रिन्यूअल सड़क दी जाए कम से कम इसके अंदर, और मेरे 31 रोडों का मैंने प्रस्ताव भी दिया नॉन पेचेबल। माननीय सदस्य समाप्त करें, श्री प्रताप सिंह। सभापति महोदय, मिसिंग लिंक के लिए कहूँगा 30 किलोमीटर मिसिंग लिंक कम से कम दे, सब देखा रही है, हमारा इस काम हो सके। आप माननीय सभापति महोदय विराजें, जब से ये सरकार आई है लगता है कि सभापति महोदय ये विभाग विराजे विराजे आप विराजिए विराजे नो आप विराजाइए आप विराजाइए।